हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का बेसिक और उसके एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ यू और ए यू का सबसेट है, देन द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन इन सेट ए, यानी यू में के एलिमेंट जो ए में नहीं है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहेंगे, और वो ए डैश से या तो फिर ए टू द पावर सी से हम डिनोट करते हैं। तो चलिए ये एग्जाम्पल हम वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा वेन डायग्राम है और यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए के जो एलिमेंट है वो है बी डी एफ। यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमारे ए से लेके जी तक है, और जो ए सेट है उसके एलिमेंट है बी कॉमा डी कॉमा एफ। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। जैसे यहाँ बी है, यहाँ बी बी, डी डी, एफ एफ। तो ये सेम एलिमेंट है। अब रिमेनिंग बचे हुए एलिमेंट कौन से जो ए में नहीं है, वो है ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी। तो ये हो गए हमारे ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, यू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ए इज इक्वल टू टू फोर सिक्स। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, हम यू के एलिमेंट ले लेंगे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स, और ए के एलिमेंट है हमारे टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स, जो सेम है पहले हम वो अंडरलाइन कर लेंगे टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स, ये कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा जो सेम नहीं है, वन थ्री फाइव, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, थैंक यू।